Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sakshi, and today we gonna discuss about the Arabli Mountains. As you know, last time हमने Deccan Plateau के बारे में study किया था. Guys, sorry, आपके लिए बहुत late मैं video upload कर रही हूँ because मेरे exam थे, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, but still आज से मैं continue आपके लिए videos लाऊंगी. So आज हम पढ़ेंगे अराबली माउंटेन्स के बारे में. हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अराबली माउंटेन के बारे में. उसके बारे में जानते हैं कि कहाँ तक वो फैला हुआ है. तो देखते हैं आप अबाउट द अराबली माउंटेन. अराबली माउंटेन और कहाँ पे है ये, मैंने आपको इसको ड्रॉ करके बताया था. इसका मैपिंग आपको बता चुकी हूँ मैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं, उनमें जाके आप देख सकते हैं. सो अब हम देखते हैं अबाउट द अराबली माउंटेन. जो अराबली माउंटेन है हमारे पास, वो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एक फोल्ड माउंटेन है. फोल्ड माउंटेन इसको बोला जाता है, फोल्ड माउंटेन, राइट. और मैंने ये बताया था आपको कि जो हिमालय है दैट इज ऑल्सो ए फोल्ड माउंटेन. सो अगर हम बात करें विश्व की, तो जो हमारा सबसे बड़ा पर्वत है विश्व में, जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है. विश्व का सबसे बड़ा पर्वत अराबली माउंटेन को बोला जाता है. तो अब मैं एक चीज़ इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इसको विश्व का बड़ा पर्वत भी बोलते हैं, और इसको सेकंड फैक्ट है इसके बारे में, कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन के नाम से इसको कंसीडर किया गया है एट प्रेजेंट में. ओके, रेजिडुअल माउंटेन के नाम से ये जाना जाता है. और इसका जो एलिवेशन है, एलिवेशन कितना है इसका, इसका एलिवेशन रहता है हमारे पास दैट इज 300 to 900 मीटर. आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये अराबली माउंटेन है और ये एक फोल्ड माउंटेन रहता है, और ये हम इसको बोलते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है. और इसको प्रेजेंट में, इसको यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके लिए, एट प्रेजेंट इट इज ऑल्सो known as, or we can say it is considered as residual mountain, and इसका जो elevation है that is 300 to 900 meter. So अब हम देखते हैं अराबली माउंटेन जो है फैला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा draw करती हूँ, पूरा मैं मैप नहीं ड्रॉ करूँगी, मैं आपके लिए समझने के लिए थोड़ा सा ही ड्रॉ करूँगी यहाँ पे. सो ये रहा हमारा मैप कुछ इस तरह से. कुछ ऐसा रहता है हमारा मैप. अब इतने से हमें समझ आ जाएगा. यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो यहाँ पे गुजरात है हमारा, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये दिल्ली तक एक्सटेंड हुआ है, राइट. और ये हमने इंडिया का एक वेस्ट वाला एरिया बताया मैंने, तो ये कौन सा है मैंने आपको बताया. इसको हम अगर गुजरात में एक हिम्मतनगर नाम का एक प्लेस है जो पड़ता है गुजरात में, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो यहाँ जो ख़त्म हो रहा है, मैंने आपको बताया कि दिल्ली में, तो दिल्ली यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है, इसका बेसिकली जो नाम है दैट इज मजनू का टीला. और कहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये दिल्ली में प्रेजेंट है. तो अब हम बात करते हैं कि इसके बेस्ट पार्ट की. अब ये एरिया है इसका बेस्ट रहता है, और दिस इज ईस्ट पार्ट ऑफ द अराबली हिल. तो अब हम जानते हैं कि इसके बेस्ट
बेस्ट जो एरिया है वो किस तरह का है और जो ईस्ट एरिया है वो किस तरह का प्रेजेंट है, किस क्या आपको कैसा एरिया है। ठीक है, तो ईस्ट की बात करते हैं पहले। तो जो इसका ईस्ट एरिया है, जो इसके ईस्ट में पड़ता है, दैट इज फर्टाइल लैंड, फर्टाइल एरिया वी कैन सी ऑल्सो, एंड फर्टाइल लैंड। फर्टाइल क्या होता है कि उपजाऊपन जहाँ पे हो, राइट। तो फर्टाइल लैंड इसमें कौन, अब फर्टाइल लैंड में यहाँ पे प्लेन्स आते हैं, और जो फर्स्ट प्लेन रहता है हमारे पास, दैट इज जयपुर, जयपुर प्लेन, सॉरी, एंड सेकेंड वन इज उदयपुर प्लेन, उदयपुर प्लेन। ये दो टाइप के प्लेन जो हैं वो इधर रहते हैं, कहाँ पे, अरावली माउंटेन के इस पार्ट में। और जो बेस्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो दो टाइप के बिकन से दो पार्ट्स बोल सकते हैं, दो एरिया बोल सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट रहता है एरिड, राइट, और सेकंड वन इज सेमी एरिड, सेमी एरिड एरिया। ये दो टाइप के एरिया यहाँ पे रहते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी कि यहाँ से ये हिम्मतनगर गुजरात में जो पड़ता है, यहाँ से लेके मजनू का टीला दिल्ली तक ये एक्सटेंड हुआ है। और इसमें कुछ एरिया जैसे स्पेनिंग हो रहे हैं, राइट, दैट इज हरियाणा, हरियाणा और राजस्थान, शॉर्ट करके लिख रही हूँ, राजस्थान और गुजरात, गुजरात एंड दिल्ली, ये एरिया जो रहता है इसमें कवर होते हैं ये। और ये जो है टोटल कितना एरिया कवर करता है, अरावली माउंटेन यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये जो बोल सकते हैं कि 692 692 किलोमीटर जो है एरिया ये कवर करता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो और हाँ, इन ओनली हम स्टेट की बात कर रहे हैं, इनमें एक चीज़ याद रखना, हम ओनली ये जो स्टेट्स हैं इनकी बात कर रहे हैं कि स्टेट में 692 किलोमीटर यहाँ पे ये रहता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, या ये जो एरिया, ये डिस्टेंस जो कवर हो रहा है हिम्मतनगर गुजरात से लेकर मजनू का टीला दिल्ली तक, ये जो एरिया कवर हो रहा है इसको, ये जो है ये 800 किलोमीटर रहता है, 800 किलोमीटर। तो आप इसका ध्यान रखना कि 800 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, गुजरात टू दिल्ली, और इनके बेसिकली नेम इनको याद रखना। और जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मैंने आपको बताया, तो ये जो यहाँ पे प्लेस हैं, स्टेट्स हैं, इनमें ये 692 किलोमीटर जो है कवर करता है। तो अब हम जानते हैं कि अरावली जो हमारे पास माउंटेन है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है इसके। तो अरावली माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी, दैट इज गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक रहती है। और वो कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड एट माउंट अबू, कहाँ पे लोकेटेड है, एट माउंट अबू, यहाँ पे ये लोकेटेड है। हम देखते हैं ये जो मैंने आपको बताया कि ईस्ट वाली साइड में ये टू डिवीजन हुए हैं इसके, राइट। तो इसका मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह से हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अबाउट द विंध्यन रेंज, और विंध्यन रेंज जिसको बोलते हैं, और वो एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल रहता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच अगेन।